हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको बताएंगे सनसूट। अभी पिछले अपने वीडियो में मैंने आपको रोम्पर की ड्राफ्टिंग बताई थी। अगर आपको रोम्पर इजीली समझ में आ गया है तो सनसूट बहुत ही ज़्यादा इजी होगा, उससे भी ज़्यादा इजी आपके लिए पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें जिस मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ती है पहले तो हम वो नोट कर लें। इसके लिए हमें सबसे पहले लेंथ, जो कि हमारे सनसूट की लेंथ होगी, वो चाहिए। अक्रॉस बैक चाहिए और हमें चेस्ट चाहिए। ठीक है, बहुत सारी डिज़ाइनों के लिए हमें अक्रॉस बैक की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, केवल लेंथ और चेस्ट के हिसाब से भी हम इसको बना सकते हैं। अब हम सबसे पहले एक लंबी लाइन खींचेंगे। ये लाइन हमारी जो लेंथ है यानी कि 16 इंच लंबी होगी। ये हमारी 16 इंच हो रही है, तो हमने 16 इंच लंबी ये लाइन बना ली है। ठीक है, इसके बाद हम सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे चेस्ट बाई 4 माइनस 1.5। ये हमारी लेंथ हो गई चेस्ट बाई 4 माइनस 1.5 सेंटीमीटर, यानी कि 4 इंच। तो हम इसमें सबसे पहले एक हॉरिजेंटल लाइन एक तो हमने ऊपर बना ली। ठीक है, और उसके बाद दूसरी लाइन जो हमारा ये 4 इंच का आ रहा है चेस्ट बाई 4 माइनस 1.5 के हिसाब से, वहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन ये हमने बना दी। ठीक है, थर्ड लाइन होगी हमारी जस्ट हाफ पे, यानी कि हमारी लेंथ है 16 इंच, तो हम इसका यानी कि 8 इंच पे लेंथ डिवाइड करेंगे। तीसरी हॉरिजेंटल लाइन बनाई हमने LT/2। ठीक है, LT यानी हमारी 16 इंच है, तो 16 इंच का हाफ हो गया 8 इंच, तो हमारी जो थर्ड लाइन बनेगी वो बनेगी LT/2 यानी कि 8 इंच पे। ठीक है, पहली जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं उसके बाद दूसरी लाइन बनेगी चेस्ट बाई 4 माइनस 1.5 सेंटीमीटर, यानी कि 4 इंच पे। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड लाइन बनेगी वो LT/2 यानी कि जो लेंथ है 16 इंच उसका जस्ट हाफ, यानी कि 8 इंच, 8 इंच पे हम तीसरी लाइन बनाएंगे। इसके बाद जो चौथी लाइन बनेगी वो बनेगी LT/4। ठीक, LT/4 हमारा आएगा 4 इंच। ठीक है, तो इसके नीचे से जो LT/2 जहाँ पे हमने लगाया था उसके नीचे से हम 4 इंच पे निशान लगा लेंगे, तो ये हमारी थर्ड कितनी हो जाएगी LT/4। ठीक है, LT/4 पे हम ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना देंगे। और सबसे लास्ट में जहाँ हमने फुल लेंथ नापी थी, यानी कि हमारी लेंथ आई थी 16 इंच, वहाँ पे हमने लास्ट लाइन बना दी। ठीक है, पहली जो स्टार्टिंग पॉइंट है, दूसरी चेस्ट बाई 4 माइनस 1.5 सेंटीमीटर यानी कि 4 इंच। ठीक है, थर्ड लाइन LT/2 यानी कि फुल लेंथ का हाफ, फुल लेंथ है हमारी 16 इंच, 16 इंच का हाफ हो गया 8 इंच, तो 8 इंच पे हमने ये 0 से 8 इंच, यहाँ से ये गैपिंग हमारी 8 इंच है। ठीक है, फिर उसके बाद जो फोर्थ लाइन है वो LT/4, लेकिन LT/4 हमारा आएगा 4 इंच, और 4 इंच हम यहाँ से नापेंगे LT/2 के नीचे से, इसलिए हमने ये इसका एरो बना दिया है LT/4। ये हमारी आ गई फोर्थ लाइन, और फिफ्थ लाइन जहाँ पे FLT लिया था यानी कि फुल लेंथ। ठीक है, ये हमने 5 लाइन ड्रॉ कर ली। अब हम जो सबसे ऊपर वाली लाइन है इसमें हम नापेंगे AB/2। AB हमारा था 8 इंच, तो 8 इंच का हाफ AB/2। ठीक है, यहाँ भी हम लेंगे AB/2, ये हमने 4 इंच पे ये निशान लगा लिया। ठीक है, फिर इसके बाद हम इस पे नेक बनाएंगे। नेक हमारा बनेगा चेस्ट बाई 12 यानी कि 1.5 इंच पे।
ठीक है, ये हमारा हो गया नेक। इधर इसकी लंबाई भी होगी चेस्ट बाई 12, ये भी हमारा होगा 1.5 इंच। ठीक है, ये 1.5 इंच पे हम एक ब्लॉक बना लेंगे। ब्लॉक इसलिए बनाते हैं ताकि हमारे नेक का जो शेप है वो सही आ जाए, इसलिए हम ये एक ऐसे ब्लॉक बना लेते हैं। अब ब्लॉक में क्या होता है, शेप देना थोड़ा सा आसान हो जाता है। ये यहाँ हमें टच करना है, यहाँ टच करना है, इसके बाद हमें ये हल्का सा ऐसे ये राउंड शेप दे देना है, इससे ये हमारा ये गला अच्छे से बन जाता है। ठीक है, अब बाकी जो कंधा बचा ये हमारा स्ट्रेट लाइन में ऐसे बना लेंगे। ये हमारा ये कंधा हो गया और ये गला हो गया। ठीक, अब हमको यहाँ AB/2 जहाँ पे आया था वो पॉइंट और ये पॉइंट ये हल्का सा राउंड शेप देते हुए मिलाना है इस तरह से। तो ये हमारा ऊपर का हिस्सा तैयार हो गया। अब जहाँ हमने LT/2 नापा था वहाँ पे हम कितना नापेंगे, वहाँ पे भी हमें चेस्ट बाई 12 यानी कि 1.5 इंच पे निशान लगाना है इस तरह से। ये हमारा 1.5 इंच आया। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हल्का सा राउंड शेप देते हुए ऐसे मिला देंगे। ठीक है, ये हमारा बिब का ऊपर का हिस्सा तैयार हो गया। अब जो नीचे का हिस्सा होता है वो हमारा जस्ट लाइक है, जैसे हमने आपको बेबी पैंटी बताई थी उस तरह से ही हमें बनाना है। तो उसके लिए हमें कितना लेना है, चेस्ट बाई 3। ये देखिए यहाँ हम एक किनारे लिख लेंगे चेस्ट बाई 3 प्लस 5 सेंटीमीटर। तो चेस्ट कितना है हमारा, चेस्ट है हमारा 18 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम 3 को 18 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6। ठीक है, 3 की टेबल में 3 6 18 होता है, तो ये हो गया 6 प्लस, और 5 सेंटीमीटर को हम इंच में चेंज करेंगे तो 2 इंच, तो इक्वल टू कितना हो गया 8 इंच। ठीक है, तो टोटल हमारी चेस्ट बाई 3 प्लस 5 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो गया 8 इंच। तो यहाँ पे हमें कितना मेजरमेंट रखना है, 8 इंच पे हमें इस लाइन पे भी निशान लगा देना है, और जो हमने LT/4 जहाँ पे नापा था वहाँ पे भी हमें 8 इंच पे निशान लगा देना है। ठीक है, अब ये 8 इंच और 8 इंच को ये सीधे ऐसे मिला देना है। ये हमारा जिस तरह से बेबी पेंटी हमने बनाई थी बस इसके नीचे का उसी तरह से बनाना है, H/3 प्लस 5 सेंटीमीटर। इसी तरह से यहाँ पे भी लिख सकते हैं आप H/3 प्लस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें नीचे का ब्लॉक मिल गया। अब जहाँ पे फुल लेंथ लिखी है वहाँ पे हम नापेंगे चेस्ट बाई 12, ये भी हमारा आएगा 1.5 इंच। ठीक है, ये हमने 1.5 इंच ऐसे लाइन बना ली। अब हमें क्या करना है, हमें इस पॉइंट को जो 1.5 इंच जहाँ पे आया है और जहाँ पे ये 8 इंच आया था वहाँ पे हमें एक तिरछी लाइन बनानी है डॉटेड में इस तरह से। ठीक है, अब हमको ये एक इसका मेजरमेंट लेना है कि ये कितना है, ये लगभग 8 इंच है। 8 इंच का जो हाफ होता है वो होता है 4 इंच। ठीक है, ये हमने यहाँ पे इसका मिड पॉइंट ले लिया। अब मिड पॉइंट पे हम यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगाएंगे। ठीक है, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर। ये निशान हमने इसलिए लगाया क्योंकि हमें यहाँ पे एक हल्का सा कर्व देना है, ये राउंड शेप देना है। राउंड शेप आपको कैसे देना है, जहाँ पे 1 इंच नापा है वहाँ मैक्सिमम 1 इंच होना चाहिए, इसके बाद इधर और इधर धीरे धीरे कम करते हुए हमें दोनों पॉइंटों को मिलाना है जस्ट लाइक ए धनुष। ठीक है, इस तरह से आपको ये एक बराबर शेप देना है, ये नहीं कि 1 इंच आप यहाँ ज़्यादा कर रहे हैं और यहाँ पे फिर धीरे धीरे आपको इसको कम करना है, ना कि यहाँ पे बढ़ा देना है। ठीक है, तो इस तरह से हम ये एक शेप दे देंगे। ये हमारा फ्रंट तैयार हो गया। ठीक, ये हमारा यहाँ पे ऑन फोल्ड होगा, यानी कि यहाँ पे हमारा कपड़ा जो है वो फोल्ड होगा, मुड़ा हुआ होगा।
ये हमारा फ्रंट तैयार हो गया, जिसका कि केवल वन पीस तैयार करना है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब हम आपको बैक बताएंगे। बैक हमारा सेम यही होगा, बस हमारा ये कर्व चेंज होगा और ऊपर इसमें थोड़ा सा चेंजेस आएंगे। तो पहले सेम हम यही चीज़ बना लेंगे। सबसे पहले हम लेंथ लेंगे, मगर अब इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, हमारी जो लेंथ थी फुल लेंथ यानी कि 16 इंच जो कि हमने फ्रंट में ली थी 16 इंच, इसमें हमको ऊपर की तरफ 2 इंच बढ़ा देनी है। तो ये हमारी लेंथ कितनी हो गई, ऊपर हम इसमें बढ़ा देंगे 5 सेंटीमीटर यानी कि 2 इंच। ठीक है, और ये टोटल हो जाएगी FLT प्लस 5 सेंटीमीटर। ठीक, ये यहाँ से फोल्ड होगा, ये 5 सेंटीमीटर हमारा जितना भी आएगा वहाँ पे हम ये निशान लगा देंगे। ठीक है, लेकिन बाकी जो लाइन है वो हमारी इसी के साथ ही चलेंगी। जैसे हमने ये फर्स्ट लाइन ली थी AB/2, हमने वही AB/2 ली है। दूसरी लाइन हमारी जो थी chest/4 -1.5 सेंटीमीटर पे, ठीक है, ये हमने सेकंड लाइन बनाई है। थर्ड लाइन LT/2 पे, फोर्थ लाइन इसके नीचे से LT/4 पे, उसके बाद फुल लेंथ। जो 5 सेंटीमीटर वो बढ़ेगा वो हमारा इस कंधे के ऊपर बढ़ेगा खाली, बैक में वो भी। ठीक है, बाकी सब ऐसे ही होगा। सबसे पहले हम गले का निशान लगाएंगे chest/12 डेढ़ इंच पे, और इसकी जो गहराई है वो भी chest/12। ठीक है, जैसे फ्रंट में किया था ये एक ब्लॉक बना लेंगे और इसको सेप दे देंगे। ठीक है, फिर हम लेंगे AB/2। AB/2 हमारा था 8 इंच यानी कि 4 इंच पे हम निशान लगाएंगे। ये हमने AB/2 ले लिया। ठीक है, यहाँ पे भी हम सेकंड लाइन थी उसमें भी हम AB/2 ही लेंगे। ठीक है, जैसे फ्रंट में सेप दिया था वैसे ही बैक में भी सेप देंगे। ठीक है, जो थर्ड लाइन थी जहाँ हमने LT/2 नापा था वहाँ पे हम लेंगे chest/12 यानी कि डेढ़ इंच, और जैसे फ्रंट में सेप दिया था वैसे ही हम बैक में भी सेप दे देंगे। ठीक है, जैसे फ्रंट का बेब तैयार होगा वैसे ही बैक का बेब तैयार होगा। इसके बाद जो हमने यहाँ पे मैक्सिमम चौड़ाई कितनी है हमारी h/3 प्लस 5 सेंटीमीटर यानी कि 8 इंच, तो 8 इंच पे हम यहाँ निशान लगा देंगे और 8 इंच पे हम यहाँ निशान लगा देंगे h/3 प्लस 5 सेंटीमीटर। ये h/3 प्लस 5 सेंटीमीटर यहाँ। ठीक है, ये हमने यहाँ पे ये ऐसे ब्लॉक बना लिया। ठीक है, लास्ट में हमें लास्ट वाली लाइन पे हमें क्या करना है, chest/12 यानी कि डेढ़ इंच पे निशान लगाना है। ये हमारा ये पॉइंट मिल गया। यहाँ पे भी हमें ये डॉटेड लाइन बना लेनी है। ठीक है, इसका भी हमें एक मेजरमेंट ले लेना है। ये भी लगभग 8 इंच है, 8 इंच का हाफ लेंगे 4 इंच, लेकिन यहाँ पे हमको कितना लेना है, यहाँ पे हमें हाफ इंच लेना है यानी कि 1.5 सेंटीमीटर। फ्रंट में हमने 1 इंच लिया था, बैक में हमें हाफ इंच लेना है। हाफ इंच लिखिए या 1.5 सेंटीमीटर लिखिए। ठीक है, फ्रंट में 1 इंच, बैक में हाफ इंच, बस यही इसमें फर्क है। और एक ऊपर फर्क है, इसका भी वन ही पीस कटेगा। ठीक है,
ये तो सेम हो गया, फ्रंट और बैक सेम, बस यहाँ पे कर्व हमने चेंज किया 1 इंच और बैक में 1/2 इंच। और ऊपर जो इसमें चेंजेस है वो क्या है, ये जो हमने 5 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ाया था, बस ये गले वाली लाइन को ऊपर बढ़ा देना है, और जहाँ पे AB/2 आ रहा है वहाँ पे ये लाइन को आगे बढ़ा देना है, और 5 सेंटीमीटर जहाँ तक आ रहा है बस वहाँ तक हमें इसको बढ़ा देना है। ये हमारा ओवरलैप का काम करेगा जो कि बैक से फ्रंट पे आएगा और इसको बंद कर लेगा, ठीक है। तो ये हमारी हो गई इसकी ड्राफ्टिंग कंप्लीट। अब हम आपको इसकी कटिंग बता देते हैं। कटिंग के लिए हमने ये वाइट पेपर लिया है, ठीक है। इस वाइट पेपर में हम क्या करेंगे, हम लेंथ लेंगे, लेंथ हमारी है 16, लेकिन हम लेंगे इसमें 18 इंच, ठीक है। 18 इंच नाप के हम इसको फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, इसकी लेंथ हो जाएगी 18 इंच। ये हमने 18 इंच पे ये निशान लगा लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले इसमें से 2 इंच हटाएंगे, जो कि हमारा पाँच सेंटीमीटर वाला था वो। अब हम इसमें एक मैक्सिमम लंबाई ले लेंगे, चौड़ाई जो इसकी लेंगे मैक्सिमम वो होगी 8 इंच। ये हम इसको हाफ से फोल्ड कर देंगे, ठीक है। ये जो इसका एक्स्ट्रा कपड़ा है ये हम काट के हटा दे रहे हैं इस तरह से। अब ये हमने जिस तरह से ये ड्राफ्टिंग आपको बताई थी इसी तरह से ये हम ये फैब्रिक हमने रखा है, ये आपको इस तरह से देखिए, ये जैसे फैब्रिक है ये हमने इसी तरह से यहाँ पे हम रख लेंगे। इधर फोल्ड है, ये हमारा इधर फोल्ड है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने पहले ये 5 सेंटीमीटर हटा दिया। अब इसके नीचे देखिए हमारा ये 16 इंच लंबा कपड़ा बचा हुआ है, तो अब हम इस 16 इंच पे वैसे ही ड्राफ्टिंग बनाएंगे जैसे कि हमने फ्रंट में बनाई थी। पहली लाइन तो हमारी बनी गई है AB/2 जहाँ पे नापना है, दूसरी लाइन हमको बनानी है 4 इंच पे, यानी कि चेस्ट बाई 4-1.5 पे। तीसरी लाइन हमें बनानी है जस्ट 1/2 8 इंच पे, ठीक है। चौथी लाइन जो हमको बनानी थी वो बनानी थी LT/4 यानी कि 4 इंच, और पांचवी लाइन हमारी ऑलरेडी ड्रॉ है। ये हम सारी लाइन को पहले डॉटेड लाइन से ऐसे बना लेंगे, ठीक है। अब हमको यहाँ पे कितना लेना है गला बनाने के लिए, चेस्ट बाई 12 यानी कि 1.5 इंच, 1.5 इंच लंबा लंबाई भी 1.5 इंच और चौड़ाई भी 1.5 इंच, ठीक है। ये हमने गले का शेप दे दिया। कंधे हमें कितने रखने हैं, कंधे हमें रखने हैं 4 इंच AB/2, ठीक है। ये हमारा हो गया कंधा, यही नाप हमको यहाँ पे भी लेनी है सेकंड लाइन पे AB/2 4 इंच। हम फ्रंट और बैक साथ में काटेंगे ताकि ये शेप हमारा बराबर आए, ठीक है, नहीं तो फ्रंट का शेप अलग जाएगा और बैक का शेप अलग जाएगा इस तरह से, ठीक। अब हम यहाँ पे हम नापेंगे चेस्ट बाई 12 यानी कि 1.5 इंच, और इसको भी ये इस तरह से शेप दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमको नापना है H/3 प्लस 5 सेंटीमीटर यानी कि 8 इंच, और इसके नीचे भी हमें नापना है चेस्ट बाई 3 प्लस 5 सेंटीमीटर यानी कि 8 इंच। ये हमने 8 इंच पे निशान लगाया और ये हमने ये ब्लॉक बना लिया। यहाँ सबसे नीचे हमें कितना नापना है चेस्ट बाई 12 यानी कि 1.5 इंच,
अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हमें डॉटेड से मिला देना है। अब हमको इसका एक मेजरमेंट लेना है, ये लगभग आ रहा है 8 इंच, तो इसका मिड पॉइंट हो गया 4 इंच। अब 4 इंच पे हमें बैक के लिए 1/2 इंच और फ्रंट के लिए 1 इंच पे गोलाई देनी है, क्योंकि हम साथ में काट रहे हैं इसलिए हमने पहले 1/2 इंच का निशान लगाया और फिर ये 1 इंच का निशान लगा दिया। ठीक है, ये हमें दोनों के कॉर्नर, फ्रंट और बैक के कॉर्नर एक साथ ही रखने हैं, उसके बाद ये धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, और लास्ट में आके ये फिर मिल जाएगा आपस में, नहीं तो हमारे यहाँ पे दोनों के जो आगे पीछे का है वो अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, और हमें बैक में एक चेंजेस क्या करना था, बैक में हमें ये जो गले वाली लाइन है इसी को आगे बढ़ा देना है, और ये जहाँ AB/2 आ रहा है वो यहाँ पे हमें आगे बढ़ा देना है। सबसे पहले हम बैक का काट के हटाएंगे। बैक के लिए हम पहले यहीं ऊपर से चलेंगे, ये जो लाइन बनी है ये शेप आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। ये तो अभी ड्राफ्टिंग है तो ड्राफ्टिंग में तो आप नहीं चेंज करेंगे, लेकिन जो आप डिज़ाइनिंग इसकी बनाने को कही गई है उसमें आप इसको चेंज कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से कोई भी डिज़ाइनिंग इसमें दे सकते हैं, आप सीधा भी बना सकते हैं, इस बिप को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जो 1/2 इंच वाला कर्व था वो काटेंगे ताकि हमारा बैक का ये अलग हो जाए। ठीक है, तो ये हमारी जो कटिंग आई वो इस तरह से आई। अब इसमें हम ये गला भी काट लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम जो पीछे वाला हिस्सा है इसको अलग हटा देंगे इस तरह से। ठीक है, और वापस ये फ्रंट वाले को मोड़ लेंगे। फ्रंट में हमें ये देखिए इस तरह से, ये हमारा बैक हो गया और ये हमारा फ्रंट हो गया। ठीक, फ्रंट में हम क्या करेंगे, पहले तो ये जो कंधे वाला एक्स्ट्रा हमने लिया था लंबाई में 5 सेंटीमीटर वो कट करके हटा देंगे। ठीक है, इस तरह से। और दूसरी क्या चेंजेस करना है, ये गोलाई, तो ये हमारा फ्रंट कट गया और ये है हमारा बैक। ये जो हमारा 5 सेंटीमीटर ऊपर अलग आ रहा है ये इसके ऊपर ऐसे ओवरलैप होगा, तब ये हमारा इस पर इस तरह से गिरेगा तो ये इस पर बंद होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो बाकी हिस्सा आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारी गैदर्स पड़ेंगी, यानी कि इलास्टिक डाल सकते हैं आप, प्लीट्स डाल सकते हैं, ये जो गोलाई है इसमें भी आपकी गैदर्स पड़ेंगी। ठीक है, तो ये इस तरह से आप दोनों तरफ इसमें चुन्नट डाल के या इलास्टिक डाल के इसको बहुत ही अच्छे शेप में दे सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।